You're never gonna make it. People with the same stuff. You really think you're different? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No one's time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. Yeah, I'm gonna do it. तो हे गाइस, हाजिर एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। और यार, कोरोना वायरस से डरो मत, बस 21 दिन के लिए अपने घर घर में बैठो आराम से और पिक्चर देखो फर्स्ट क्लास और गेम वेम खेलो, पूरा टाइम एंजॉय। पता नहीं चलेगा जो पबजी प्लेयर्स हैं उनके साथ तो भाई पता ही नहीं चलेगा, और कौन कौन घर के अंदर रह रहा है आराम से और पबजी का मजा ले रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो का जो टारगेट है, इस गेम प्ले का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स। तो यार आई होप कि आप लोग करा दोगे। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि भाई हम लोग आ चुके हैं कहाँ, मिलिट्री बेस ऑफकोर्स, 3 बिल्डिंग। लेकिन जो अब यहाँ पर होने वाला है ना भाई, वो तुम देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर भाई के साथ धोखा हुआ है। उन्हें कितना बढ़िया मिला ना टीम मैक्स, वो जो स्काउट वगैरह, मतलब भाई इस भाई के साथ क्या मतलब हुआ। अब अगली बार से कभी भी दोबारा ये उतरेगा ना, तो कभी भी ये नहीं देखेगा कि भाई बंदा है या गन उठा के उसे मारूं या उसके एम में आऊं, तो इसके साथ बहुत बड़ी गलती हो। और अब देखना मेरे साथ क्या होगा। मतलब भाई मैं उस गाड़ी के पीछे जा रहा था, मैं उस गाड़ी से जो बंदा जा रहा उसको गिराऊंगा, बिकॉज वो रैंक पुशर था और वो गन उठा के जा रहा था, मतलब गाड़ी उठा के जा रहा था कहीं और। और अब ये बंदा देखो भाई, अगर ये चाहता ना मुझे फिनिश करना तो कर देता, और मेरी धड़कन यहाँ पे इतनी तेज हो गई थी कि शायद अब मुझे डायरेक्टली माइनस लगने वाली है सीधे सीधे 30-40 की। पर यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने कवर बहुत अच्छा दिया और मुझे बचा लिया। और इसी के साथ भाई मतलब दिल को एक सुकून मिला कि चलो कुछ नहीं। फिर अचानक से आवाज़ आती है कि भाई इस साइड भी बंदे हैं, तो फिर देखो कि यहाँ पे भी कुछ फाइज देखने को तुम्हें मिलने वाली है। देखो भाई, इस बंदे को तो हमने इस तरीके से पेला। और हमेशा याद रखना है FPP का मतलब, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके भूखे और पास कोई बंदा है सामने फ्रंट में, लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक बंदा है उससे, या दो बंदे भी हैं, तो आप FPP का अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है ट्रेनिंग रूम के अंदर, तो आप उसे ईजी तरीके से मार सकते हो जिस तरीके से मैंने मारा था। और यहाँ पर आप ये देखो कि ये बंदा बैठा हुआ है जिसके ऊपर अपना टीममेट ने ऑलरेडी नॉक कर दिया है, और मैं उसे टैप टैप करके फिनिश कर दूंगा भाई। मतलब आगे चल के इस गेम प्ले के अंदर तुम्हें इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलने वाली है, ये मैंने भी नहीं सोचा था। और तुम्हें पता है अभी हम यहाँ पे 4 बंदे हैं, और जल्दी यहाँ पे हम 2v2 स्क्वाड खेलने वाले हैं जिसमें मैं अकेला बचने वाला हूँ। और ये मैच देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि भाई क्या गलती जो मैंने करी थी वो गलती तुम लोग ना करो। और एक बात यार तुम लोग बताओ कि जब बोट आता है तो आपके दोस्त क्या आपके साथ भी ऐसे ही करते हैं जैसे मेरे साथ करते हैं, कि बोट आता है मतलब बंदे जो होते हैं उनको नहीं मारेंगे इतनी जल्दी जितनी जल्दी बोट को देख के रिएक्शन उनका कम हो जाता है या उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है। आप कमेंट करके बताओ कि कौन किस किस के दोस्त इतने हरामी है कि बोट आने के बाद कौन कौन लड़ता है बोट को मारने के लिए। आई होप कि जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे किसी ना किसी के साथ इनमें से 70% वालों के साथ ऐसा कुछ होता होगा। अब भाई बेचारा ये अकेला बंदा यार मिलिट्री बेस से लूट के आ रहा था, इसके पास 6x ना जाने कितना दुनिया का आइटम था जो कि लूट के हम आ चुके हैं अब रोजोक की पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे शुरू होता है असली गेम, यहाँ से स्टार्ट होगा असली मैच। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगी असली वाली फाइट जिसमें मैं 1v3 करूँगा, 1v4 करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट देखने को तुम्हें मिलने वाली। अब भाई इन दो बंदों को तो पेल लिया है, अब ये दोनों बंदे मतलब पता नहीं कौन सस्ता नशा करके बैठे थे। और अब मेरा दोस्त मेरा टीममेट चूंकि लेके आया हुआ गाड़ी, मुझसे बोला है कि दो बंदे क्योंकि रोजोक की पहाड़ी के ऊपर बंदे हैं तो हम फ्लैंक कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ ये था कि हम फ्लैंक दो बंदे इधर से संभालेंगे और दो बंदे हम उधर से संभालेंगे, उनको घेरेंगे एक तरीके से कन्फ्यूज करेंगे। पर जब हम रोटेट कर रहे थे तो हमारा टीममेट नॉक हो जाता है एक, और ये टीममेट नॉक होने की वजह से
तुम देखना कि हम लोगों को कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होने वाला है। सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ होगी और जिसमें मैं पूरा पूरा योगदान दूंगा इस फाइट को ख़त्म करने के लिए। गाड़ी फटी हुई थी। Marked a location. Enemies ahead. अरे नॉकआउट क्यों नहीं हो रहे मेरे से? लास्ट बंदा D-Max। अरे जल्दी आ, मैं बेड हो गया, जल्दी आ मैक्स मेरे पास। भाई तू तो गया बट मैं भी गया। वो D-Max यहाँ पे बंदा स्मोक पे। Marked a location. चल यार मैं बाद में ले लूँगा, मैं जा रहा हूँ। यहाँ है बंदा। अरे बचा लेता भाई, क्या कसम से थोड़ी सी। अब भाई सारे बंदे मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई मुझे बचा लेता, ये कर लेता, मतलब कंफ्यूज करके रखा था। पर एक बात बताओ, क्या मैं इनको बचा सकता था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैं क्या इनको रिवाइव दे सकता था इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये चल रहा था फाइट। फिर भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला, लेकिन अचानक जैसे ही हम हीलिंग कर रहे थे ना, मैं हीलिंग कर रहा था बैठ के, और मेरे टीम मेट देखो मुझसे क्या कहता है। मतलब जब ये मर जाते हैं तो मुझे नूब कहेंगे और तुझसे कुछ नहीं होता है भाई, सबके दोस्त ऐसा सोचते हैं। और पता क्या इनके मन में चल रहा होता है कि जल्दी से ये मर जाए, बस ये जल्दी से निपट जाए। और तुम्हारा भाई अभी इतनी जल्दी में निपटने वाला नहीं है, इनको निपटा के मरेगा ये गेम। ये इंटेंस फाइट जो इन कार वालों के साथ होने वाली है मेरी, वो तुम्हें देख के पूरा मजा आएगा। और कितनी ज्यादा स्किल्स तुम लोग सीख सकोगे इस जब हम मैं इन्हें फिनिश करूंगा, तो नोटिस करना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं इन स्किल्स को बताते भी जाऊंगा अपने अदर्स चैनल पे, जो मेरा चैनल है D-Max YT। मेक श्योर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे नए होना मेरे भाई तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, क्योंकि इस भी इस तरीके से गेम प्ले आने वाले हैं। और जो इनके साइड फाइट देखने को मिलने वाली है वो अब देखो। ये कार मैं उठा के भाग जरूर रहा हूँ, लेकिन क्यों भाग रहा हूँ वो आपको भी पता है। मरेंगे मरेंगे तुम। अब उनको डराना बहुत जरूरी था, उनको बुलाना बहुत जरूरी था। अगर मैं वहां हाई हिल के ऊपर फाइट लेता, उनको मेरी लोकेशन पता थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो बंदे किस किस जगह से आएंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की फाइट चल रही है, स्प्रे टू स्प्रे चल रहा है, उधर से 6x M416 का स्प्रे चल रहा है। और मैं भी भाई, तुम्हारा भाई भी हार नहीं मानने वाला है, इनको क्या मार पाऊंगा मैं अभी तुम खुद देखना कि किस तरीके से मैं इनको फिनिश करूंगा अपनी बुद्धि लगा के। अरे यस भाई तू क्या कर रहा है, नीचे से लेना लाइन लेना, वो देख ले। अरे यश भाई यार एक स्प्रे नहीं हो रही भाई, क्या कर रहा भाई, रिच के नीचे नहीं आया तेरी स्प्रे, क्या क्या बोलूं भाई। D-Max चैंपियन वो थोड़ी है, वो थोड़ी है। अरे D-Max ओपन में मत जा यार, देख देख और भाई पूरी तरीके से स्क्वाड फिनिश हो जाती है। किस किस को ये जो क्लच मैंने करा था, ये जो मैंने अभी हिप फायर दिया था, किसको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे मैंने उनको इसलिए अपने पास बुलाया क्योंकि मुझे पता था वो तीन बंदे हैं और हम दो बंदे हैं, शायद चार बंदे थे, मैं भूल गया, चार बंदे थे और हम दो, और उनको हमारी लोकेशन एग्जैक्ट पता थी और हमें नहीं पता था कि भाई वो बंदे कब कहाँ से किस एंगल से आएंगे। इसीलिए मैंने क्या करा, उनको अपने पास बुलाया। जैसे तुम लोगों ने देखा कि मैं वहाँ से कार लेके भाग आया और मेरे टीममेट से कहा कि मुंह क्यों भाग रहा है, पर भाई किसी की मत सुनो, जब तुम गेम प्ले खेलते हो ना तो अपने दिमाग की सुना करो।
और तुम्हें जो सही लगता है वो करा करो। और भाई यहाँ पे जो फाइट देखने को मिलेगी जिसको मतलब टीम मेट का सबसे बड़ा योगदान होता है भाई, मतलब अगर तुम्हारी टीम अच्छी नहीं है तो भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मेरा टीम मेट था बस थोड़ा सा यार कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से जो चिकन डिनर है किस तरीके से मेरे हाथ से जाएगा, मतलब बना बनाया चिकन डिनर मेरे हाथ से जा रहा है तुम खुद ही देखना। तुम दोनों की साल बिल्कुल कहने क्या कि भाई एक बात याद रख लिया, तुम्हारे टीममेट तुम्हें जब वो नॉक हो जाते हैं फिनिश हो जाते हैं और मरने के बाद जब तुम्हारा गेम प्ले देखते हैं तो तुम्हारी गलतियां निकालेंगे, भाई तूने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम खुद मतलब मर के बैठे हुए हो। और आप यहाँ पे देखो कि भाई ये क्या भसड़ हो रही है यहाँ पे, और सारा गेम यहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा भाई क्या ये हो रहा था जिस तरीके से मैं बिल्कुल मतलब बंदों को मार रहा हूँ, लोग हैकर समझेंगे मुझे। फेल बिल्डी में लेट तीन हो जाएगा। अरे यार नूब भाई क्या किया तूने यार, लिटरली लिटरली गाइस जैसे तुमने देखा कि क्या ये सीन हुआ मेरे साथ, लिटरली भाई अच्छा खासा गेम प्ले था भाई ये, चिकन था तुम्हारा भाई ये, मतलब ये चिकन डिनर मेरे हाथ से गया। अब तुम्हें पता है क्यों गया यार, थोड़ा सा टीममेट की वजह से चिकन डिनर चले गया, उसको रोड से स्प्रे नहीं देना था। और कुछ गलती मेरी थी कि मैं एक ही एंगल से रोटेट करके जा रहा था, मुझे जाना था उधर से घूम के राइट हैंड साइड से जैसे एनिमी का ध्यान भटके, और मैंने एग्जैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे तीन बंदे हैं, मैंने सोचा था कि दो ऑलरेडी नॉक हैं शायद एक ही बंदा बचा होगा जो कि वो लेटा हुआ था बग्गी के पास। जैसे मैंने उसको नॉक करा तुमने देखा कि मुझे किस तरीके से फिनिश कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार चिकन डिनर हो तभी गेम प्ले को डालूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मेरी होती हैं वो भी आपको देखने को मिले, जिससे तुम्हें सीख मिले और मुझे भी सीख मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम चिकन डिनर लें और चिकन डिनर वाला ही गेम प्ले अपलोड करें। तो यहाँ पे ये गेम प्ले आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आई होप अगर पसंद आया तो मेक श्योर 300 लाइक्स कंप्लीट करा देना, एंड कमेंट करके अपनी आईडी ज़रूर दिखना क्योंकि भाई आप जो भी वीडियो जाया करेंगे तो उसमें हर एक गेम प्ले के अंदर हमारा यूसी विनर हुआ करेगा। तो आई होप जो भी नेक्स्ट गेम प्ले आएगा क्या पता आप उसके अगले विनर हो। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी और वीडियोस देखते रहिए।